मेरे पति को बार बार धमकियां दे रहे हैं, मैं मार दूंगा जान से, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं बीजी का आदमी, ऐसे बोल रहे हैं बार बार। गली आ जाओ, मैं तुम्हारे पानी छुड़वाता हूँ, तुम चाहे गली में छोड़ के देखना तो मैं जान से काटूंगा। ये मेरा सगा भाई है जी, छोटा भाई है जी, मैं बड़ा भाई हूँ दीदी। और मैंने इसको कहा भी है, मैं हम प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो यही कहता है मेयर मेरे घर की है, हुड्डा मेरे घर का है, मुख्यमंत्री मेरे घर का है, कमिश्नर मेरे घर का है, तुम क्या करोगे मेरा। ने आगे नाली बंद कर रखी थी, उसने अनऑथोराइज उसके ऊपर अपने कब्जा कर रखा है, नाली खोलने देता। ये हमारा पंगा जब से लेने के बाद, बनाने के बाद, ये इसका 2-3 महीने का से ये पंगा चल रहा है। हमने प्यार से भी बोल दिया, MC साहब को भी बोल दिया, जो कि हमारे नगर के MC हैं राम कुमार सैनी जी, उन्होंने भी बोला कि CM विंडो लगा दीजिए, ठीक है। उनके कहने पर हमने CM विंडो के लिए चिट्ठी भी लिखी, बट रात को किसी कारण से रात को हमने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि ना आप राजीनामे से ये खुलवा लो नाली। सुबह हमने 4 मजदूर बुला के किला के ऊपर से, जो मजदूर खड़े होते हैं उनको भी लेके गए, उनको बल्कि हमने चाय पानी का खर्चा भी दिया अपने तरफ से। फिर उस वो BJP का बंदा कहने लगा कि जो कि यशराज जदाना है और उनके चाचे ताऊ के लड़के हैं ये मोंटू हेमंत, और उनकी फैक्ट्री के अंदर 8-10 लड़के और थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए, साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। घटना पानीपत की वार्ड 11 चावला कॉलोनी की है, जहां पर एक परिवार के साथ मामूली सी बात को लेकर कहासुनी इस कदर हुई कि उन्होंने इस परिवार पर हमला कर दिया और मारपीट की गई। महिलाओं से भी मारपीट की गई और घर के पुरुषों से भी। आरोप लगाए हैं परिवार के सदस्यों ने कि कई महीनों से नाली खोलने को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आज जब वो नाली खोलने की कोशिश करने लगे तो कॉलोनी का रहने वाला यशराज जताना गाली गलौज करने लगा और 10 से 15 लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। डंडों से और ईंट से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमने प्लॉट लिया था ये, जो कि यशराज जताना है, वो डीलर है वहाँ का, उसको हमने कमीशन भी दी और उस 2% कमीशन लिया उसने, और उसने हमें प्लॉट बना के हमें जगह दिलवाई है, और उसने आगे नाली बंद कर रखी थी, उसने अनऑथोराइज उसके ऊपर अपने कब्जा कर रखा है, नाली खोलने देता। ये हमारा पंगा जब से लेने के बाद, बनाने के बाद, ये इसका 2-3 महीने का से ये पंगा चल रहा है। हमने प्यार से भी बोल दिया, MC साहब को भी बोल दिया, जो कि हमारे नगर के MC हैं राम कुमार सैनी जी, उन्होंने भी बोला कि CM विंडो लगा दीजिए, ठीक है। उनके कहने पे हमने CM विंडो के लिए चिट्ठी भी लिखी, बट रात को किसी कारण से रात को हमने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि ना आप राजीनामे से ये खुलवा लो नाली। सुबह हमने 4 मजदूर बुला के किला के ऊपर से, जो मजदूर खड़े होते हैं उनको भी लेके गए, उनको बल्कि हमने चाय पानी का खर्चा भी दिया अपने तरफ से। फिर उस वो BJP का बंदा कहने लगा कि जो कि यशराज जदाना है और उनके चाचे ताऊ के लड़के हैं ये मोंटू हेमंत, और उनकी फैक्ट्री के अंदर 8-10 लड़के और थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। मेरी मम्मी उस टाइम बाजार गई हुई थी, और मेरी वाइफ को, मेरी भाभी को, मेरा बड़ा भाई है उसको धमकी दी। ये चावला कॉलोनी वार्ड नंबर 11 की घटना है, राजू कबाड़ी है नज़दीक में, उनके साथ की घटना है। इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जानलेवा हमला किया और धमकी देते हैं कि हम BJP के हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, MC भी हमारे हैं और CM विंडो भी हमारी है, नगर निगम में जो कमिश्नर बैठते हैं वो भी हमारे हैं। क्या नाम वो? मेरा नाम दिनेश कुमार है, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर जी। कितने लोगों ने हमला किया? इनके कम से कम 20 बंदे थे जो फैक्ट्री के अंदर से निकल के आए थे। कई लोगों ने बहुत ईंटों से भी मारा है जी, ईंटों से भी मारे हैं, सरियों से भी मारे हैं, डंडों से भी मारे हैं। मम्मी की उंगली, जैसे ही मम्मी के हाथ में राशन था, वो गुड़ मंडी से राशन लेते हुए आ रहे थे, मम्मी के उंगली पकड़ के एक बंदे ने मरोड़ दी। पता नहीं लगा कि उसने किसने मरोड़ी है, पर मम्मी के हाथ की उंगली भी मोड़ी गई है, और मेरे को बहुत जानलेवा मारा गया। मेरे ऊपर तो सारे हावी थे, मेरे ऊपर कम से कम 10 लड़के तो थे जी, ये पूरे परिवार के उनके बंदे भी थे और वो भी थे, और जिसमें से मेरे ऊपर जो सबसे डंडा चलाने वाला था वो यशराज जताना था, जिसने बहुत मोटा, और हेमंती था, हेमंत और मोंटू, ये तीन भाई तो जो मेन थे, और उनके साथ एक व्हाइट टी शर्ट में काली दाढ़ी में लड़का था, जो कि उन्होंने बाहर से बुला रखा था, और उसने भी 4 जनों ने मेरे को केले पकड़ के मेरे सिर पर डंडे डंडे मारे हैं, जिससे कि मेरा यह हाल हो चुका है। वही पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि यशराज जताना, जो अपने आप को BJP का कार्यकर्ता बताता है और ऊपर तक पहुंच होने की धमकी देता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, उनका कहना है कि मारपीट के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मैं दुकान पे खाना खा रहा था,
था, मोंटू का फोन आया, जताना को कॉन्फिडेंस पे लेके बात कर रहे थे और मोंटू ने सीधा ही हमें, जो मोंटू और जताना आपके वहीं रहते हैं, ये दोनों ही रिश्तेदार हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। और जो यश जताना वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमने उससे बड़े हाथ पैर जोड़े हैं, हमने उसको कहा है कि भैया नाली का रास्ता दे दो, नाली का रास्ता दे दो, नहीं तो हम सीएम विंडो में डालेंगे। हाथ पैर दो तीन महीने से जोड़ रहे हैं, दो तीन महीने से हाथ पैर जोड़े हैं। हाँ जी, उसके नाम जी हम जी हमने प्लाट इन्हीं से ही खरीदे हैं, राम बलराम के नहीं गई है, 2% कमीशन दिया है, मार्केट रेट एक है, 1% हमने फिर 2% दिया। चलो भाई के घर ही जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इन्होंने हमारा नजायज फायदा उठाया, दो तीन महीने से हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं माना दीदी, नहीं माने भाई साहब। और उसके बाद आज जब इनको फोन बोल के बुलाया, आजो, हमने कहा जी अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आते ही मेरे को फ़ोन पे गालियाँ काटने लगे हैं, गली आजो मैं तुम्हारे पानी छुड़वाता हूँ, तुम चाहे गली में छोड़ के देखना तो मैं जान से काटूंगा। ये मेरा सगा भाई है जी, छोटा भाई है जी, मैं बड़ा भाई हूँ दीदी। और मैंने इसको कहा भी है, मैं कहा हम प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो यही कहता है मेयर मेरे घर की है, हुड्डा मेरे घर का है, मुख्यमंत्री मेरे घर का है, कमिश्नर मेरे घर का है, तुम क्या करोगे मेरा। वो कहता है इस तरह प्रकार की धमकियाँ देता है जी, और कहते हैं क्या नाम है आपका? मेरा जिमी नाम है जी, हम तो बड़े शरीफ से आदमी, आप गली मोहल्ले में पूरा इंक्वायरी करवा सकते हो, अगर किसी ने हमारी तू मैं भी हो, ये हमारे पड़ोसी हैं जी, इनसे भी इंक्वायरी कर, पहला मकान इन्हीं का ही है जी, ये भी दो तीन महीने से परेशान है। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसका तो एक ही दावा है, मेयर मेरे घर की है, ये भूपेंद्र सिंह कमिश्नर मेरा घर का है, कमिश्नर के पास सुबह जाता हूँ, अभी फोन आया है, अभी तुम्हारा नबेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर ऐसी पाबंदियां लगवा दूंगा, जुर्माना लगवा दूंगा। वही महिला का कहना है कि सिर्फ नाली खोलने को लेकर बात थी, लेकिन आज घर में घुस कर 15 से 20 लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो ये आए घर पे तो इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया इनको, फिर ये आगे उनके बड़े भाई ने वाइपर मारे, मेरे को मारे, मेरे हाथ पे मारे, मेरी मम्मी को मारा, घर पर ही हमला कराया। हाँ जी, घर के मोहल्ले ही में ही हमला किया गया। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पति को बार बार धमकियां दे रहे हैं, मैं मार दूंगा जान से, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं बीजेपी का आदमी, ऐसे बोल रहे हैं बार बार। सारे लोग थे, 10-12 इनके थे, और ये यश ताना का हमला हुआ, आप लोग सब घर में थे? नहीं, मैं तो मार्केट गई हुई थी सर, ये सारी बहुएं थी, भाभी थी, एक मेरी और बहुआ तीसरी वो घर पे थी, सबको इन्होंने मारा पीटा, और मैं आग छुड़वाने के लिए गई, बहुत पापा पार नहीं है इनके, तो मेरा नाम कमलेश रानी है, उन्होंने मेरे को नीचे मुंड के ना, हाँ जी मेरे बेटे हैं ये। तो फिलहाल पीड़ित परिवार सिविल अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचा, क्योंकि पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर, कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 9812 1455